दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि राक्षस धुएं से एक स्मोकमैन बन गया और वह एक एक करके सबको मारने लगा। यह बात जब गुप्ता जी को पता चली तो वे दोनों उसे रोकने के लिए जाते हैं। और अब कहानी आगे देखते हैं। गुप्ता जी, ये तो बहुत ताकतवर लगता है। हाँ मिश्रा जी, लगता है इसके पास तो अद्भुत शक्तियाँ हैं। पर इसके पास इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से? तुम लोगों के फैलाए हुए प्रदूषण से मुझे मिली है ये शक्तियाँ। तो तुम चाहते क्या हो? तबाही। मेरे और गुप्ता जी के रहते इस शहर को कोई तबाह नहीं कर सकता। मिश्रा जी के ये बात बोलते ही स्मोकमैन को गुस्सा आ जाता है और वह दोनों पर हमला करता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी स्मोकमैन से मार खाने के बाद भागने का सोचते हैं, पर स्मोकमैन उन दोनों को भागने नहीं देता है। कि उसी वक्त शहर के पुलिस फोर्स वहां पहुंच जाती है। यह देखकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को राहत मिलती है। पुलिस फोर्स चारों तरफ से स्मोकमैन को घेर लेते हैं और गुप्ता जी और मिश्रा जी वहां से भाग निकलते हैं। तभी एक टैंक स्मोकमैन पर निशाना साधकर फायरिंग करता है। टैंक की एक जबरदस्त फायरिंग के बाद स्मोकमैन अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है, इसलिए वह वहां से भाग जाता है। और इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी उस स्मोकमैन को हराने का उपाय सोचते हैं। देख लिया ना मिश्रा जी, मैंने बोला था ना एक दिन ये जहरीली धुएं सबका काल बन जाएगी। हाँ गुप्ता जी, आपने तो सही बोला था, पर अभी इसे कैसे रोके? मिश्रा जी, इसके पास अद्भुत ताकतें हैं, इसे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। इसका उपाय तो बाबा ही बता सकते हैं। तो चलिए गुप्ता जी, हमें जल्दी ही बाबा के पास जाना चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के आश्रम जाने लगते हैं। और इधर स्मोकमैन अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए डंपिंग ग्राउंड पहुंच जाता है। स्मोकमैन का पीछा करते करते पुलिस फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। आओ, सबको तबाह कर दूंगा। अजय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के आश्रम पहुँच जाते हैं। हमारी रक्षा करे बाबा, हमारे शहर में एक बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। हाँ मुझे पता है, वो स्मोकमैन है। तो अभी तक आपने इसका अंत क्यों नहीं किया? आज अमावस्या की रात है, आज मेरी कोई भी शक्तियाँ काम नहीं आएगी। तो बाबा, उस स्मोकमैन का अंत कैसे होगा? कोई तो रास्ता बताइए। एक रास्ता है, लेकिन वो इतना सरल भी नहीं है। जो भी रास्ता है बाबा, हमें बताइए। तो ठीक है, सुनो, यहाँ से 100 मील पूरब की ओर एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के अंदर छिपा है एक दिव्य शक्ति, जिसे तुम्हें प्राप्त करना होगा। ठीक है बाबा, हम लोग अभी निकलते हैं उस गुफा की ओर। रुको, ये लो, जो तुम्हें मदद करेगी वो दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करने में। गुप्ता जी और मिश्रा जी उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी, वो देखिए, वहाँ एक गुफा है। हाँ मिश्रा जी, पर वहाँ कोई गुफा की रखवाली कर रहा है। दोनों उस गुफा के नजदीक जाते हैं। जैसे ही गुप्ता जी और मिश्रा जी उस गुफा के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, पहरेदार उन दोनों पर हमला कर देता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के दिए हुए शस्त्र से पहरेदार को खत्म कर देता है और उस गुफा के अंदर चले जाता है।
अंदर जाते ही गुफा बंद हो जाती है। गुप्ता जी, ये गुफा तो बंद हो गई। हाँ मिश्रा जी, पर वे दिव्य शक्तियाँ कहाँ है? बाबा ने तो यही बताया था। वे देखिए गुप्ता जी, वहाँ कुछ चमक रही है। दोनों उस गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। गुप्ता जी को वो दिव्य शक्तियाँ दिख जाती है और वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही गुप्ता जी उस दिव्य शक्ति को छूता है, उसके चारों तरफ धूम छा जाती है। तुम कौन हो? जब जब बुराई का जन्म हुआ है, तब तब उसे खात्मा करने के लिए अच्छाई को आना पड़ता है। मैं हूँ फ्लाइंग मैन। स्मोक मैन के एक और जबरदस्त वार से फ्लाइंग मैन घायल हो जाता है। फ्लाइंग मैन, उठो उठो फ्लाइंग मैन। मैं अजय हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बाबा देखिए ना, फ्लाइंग मैन को क्या हो गया? अब स्मोक मैन को कौन हराएगा? मिश्रा जी, स्मोक मैन बहुत ही ताकतवर हो गया है। हमारे ही फैलाए हुए धुएं से वो इतना ताकतवर बन गया है। तो बाबा, इसका अंत कैसे होगा? आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, वही अब कोई रास्ता दिखा सकते हैं। बाबा और मिश्रा जी दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, और तभी अचानक बिजली चमकने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें जैसे ही फ्लाइंग मैन पर पड़ती है, वह उड़ जाता है और उस बारिश से सारे धुएं धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। Thank you.